निक्की सूरज की प्रेम कहानी। मेरे पास स्कूटी थी, मैंने स्कूटी बैठाया और छोड़ के आ गया। आज कर वो तो मजेदार बनेगा क्योंकि आज पापा आ चुके घर पे, मैं करूंगा पापा के साथ बहुत सारी मस्ती। तो गाइस मैं चाहे को आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्ते पापा, गुड मॉर्निंग। रात को मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के मैं इसके लिए ना एक बढ़िया सा गिफ्ट ले गया था, उठा ही नहीं है। और फिर मैं दिल्ली वाले घर से ना, ये दो लॉकर वहाँ रखे हुए थे, कहीं ना आईडी प्रूफ्स होते हैं, फोन इधर उधर पड़ा रहता है, तो मैं ये ले आया हूँ। अब इनसे हम इसको फिट कर देंगे कहीं ना, ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। तो बरानी अभी उठ चुकी है, जब मैं तू वगैरह देखता था ना, जब मैं ऐसा दिखता था देखो। भाई सच कहते हैं लोग कि भाई बेटियों की जान फादर साहब में होती है। अब ये इतना प्यार करते हैं मुझसे, देखो चुला लो पापा, पापा को चुला ओ कर दो, तू बा पापा कर दो, पापा कर दो, ओ चो जा पापा, आ कर दो। अब फोन पे जब भी मुझे वीडियो कॉल करते हैं, कहते पापा पापा कहाँ हो, फुल बातें करते हैं मुझसे। आजकल मेरी नोनी में बच्चा बहुत बातें करता है। अब देखो अपने आप उतर, आराम से उतर। तो भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आदिवासी तेल महंगा है, ये है वो है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक जो है ना आधा लीटर की शीशी है वो 1500 रुपये की है। आप ऑनलाइन भी लोगे ना, जहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ वहाँ से 1500 की मिलते हैं। मैं इन हैंड इसलिए कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को ना क्या हो रहा है ना कि वो कॉल भी नहीं उठा पा रहे, और उसके साथ साथ उनके चक्कर में ना कोई और लोग ना फेक तेल भेज देते हैं आपको। तो मैं इन चीज़ों के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या। देखो अभी मैंने तेल लगा रखा है, तो ये जीरकपुर है, ABP मैक्स स्पेस, आप गूगल पे सर्च कर लेना, और ये जीरकपुर लोटस सोसाइटी के बिल्कुल सामने है। तो 14 तारीख से आपको आदिवासी हेयर ऑयल वहाँ मिल सकता है, आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं होल सेल का भी कर रहा हूँ, किसी को होल सेल में भी ले जाना है तो ले जाएं, जहाँ भी वो सेल करेगा उसकी प्रमोशन मैं करूँगा कि आपको वहाँ से भी मिल सकता है, तो मोस्ट वेलकम। तो भाई मेरी छोरी नहा धो के हो गई रेडी, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। चल सो जा, थोड़ा सो जा, मैं बैठी सो जा मैं जानू। तो गाइस मैं अपने लॉकर में बहुत कुछ रख रहा हूँ, मेरी चीज है, पापा के लॉकर में पता नहीं पापा क्या रखेंगे। अभी मेरे लॉकर का काम चल रहा है, मेरा लॉकर है वहाँ, तो अभी उसका काम चल रहा है, तो आपको दिखाते हैं काम के बाद। तो गाइस मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, ट्यूशन पे करूंगा मैं पढ़ाई, उसके बाद जाऊंगा मैं नीचे खेलने। आप मेरा पूरा ब्लॉग देखते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, हम बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं करो और शेयर करना भी मत भूलना। तो आपको मिलता हूँ ट्यूशन से स्टडी करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे भाई चूड़े की बात चल रही है, सबसे ज्यादा महंगा चूड़ा आया निक्की का। मेरा चूड़ा आया था गाइस 1400-1500 रुपए का, मुझे याद है, ठीक है। ओ मेरा बच्चा बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, आप पियो। और पायल का चूड़ा आया था 2500-2600 रुपए का, ठीक है। और मंदी भैया की वाइफ का चूड़ा आया था ऐसे समथिंग 3500-4000 का। तो हम ऐसी बात करें कि सबसे अच्छा चूड़ा इसका आया, क्योंकि ना इसके चूड़े के अंदर एक चीज आई कि इसका जो कुंदन है ना वो कभी खराब नहीं होगा। मम इसको सारी जगह से मेरा मम दिख जाता है, इसको मैं जब भी मम पीती हूँ इसको मम दिख जाता है। देखो, बस मम अच्छा। तो अभी हमने सूरज को बुला लिया, निक्की तो हमारे साथ ही रहती है, सूरज पता नहीं कहाँ रहता है आजकल, मिलता ही नहीं हमें। तो हमने आपकी हाईली डिमांड पे आपके सामने प्रस्तुत है चाचा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, निक्की नाचेगी। चलो ढोलक वाला आ गया भाई, बजा भाई, आज मेरी दुल्हन नाचेगी। ढोल वाले, डांस वाले, कोई बढ़िया सा गाना बताओ, इसका सुर पहले इसके पैर उठे वैसे गाने पे। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं निक्की सूरज की प्रेम कहानी। तो भाई पायल दुल्हन की सहेली आ गई है, ठीक है, सहेला है, तो अभी सहेला है, ऐसे भी सहेली भी है, सहेला भी है, क्योंकि अभी छुट्टी पहनी तो सहेली है, ये ऐसे सहेला है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं, बच्चे को हम कुछ भी बना सकते हैं 5 साल तक। चलो मेरी तरफ से कौन है भाई, यही है, चलो बैठो 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 सही। चलो भाई शुरुआत करते, पहले दुल्हन शुरू करेगी, दूल्हा दीदी जो मेरी तरफ है वो मेरी तरफ हो जाओ, जो सूट की तरफ हम तेरी तरफ है, मेरी तरफ है भाई।
मेरा भतीजा प्यारा सा भतीजा चीपू है, तुम मेरी तरफ है ना? तो भाई पहले कौन सुनाने वाला है स्टोरी? वैसे तो दोनों सेम ही सुनाएगा, अलग अलग स्टोरी हो ही नहीं क्योंकि एक ही लव है, दो लव नहीं है। तो भाई वो शर्माएगी थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताने में। देखो पहला क्वेश्चन मेरा ही है, मतलब शुरुआत होती है लव स्टोरी की, कि आप लोग मिले कब, कौन से सन में मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? सन तो मैं बताया तो कोरोना काल था टाइम पे, कोरोना काल 2019 2020 हाँ 2020 में। यार बच्चों को स्टोरी समझ में नहीं आ रही भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ सुनो 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 मेरे प्रेम कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, उसकी है प्रेम कहानी, दोनों अभी तक जिंदा और चल रही है कहानी। तो भाई बच्चों ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया था क्योंकि बच्चे रो रहे थे, इनको पानी चाहिए था, तीनों को हमने पानी की बोतलें दी है, अभी जो है पानी के बीच में लग गए। अब हम सुनाते हैं स्टोरी, तो सूरज भैया करेंगे शुरुआत। चलो भैया कहाँ से मिले, कब मिले, कौन सा सन था, कौन सा शुभ दिन था? जो सन तो था 2019। अच्छा अच्छा, छठा छठा मतलब मई मिला था तो फिर मैं बोलते हूँ सितंबर में मिले थे, अक्टूबर में आपके पास आए थे, फिर नवंबर में मेरा बर्थडे, अरे मुझे याद है अगस्त में मिले थे, 15 अगस्त आने वाला था, तो उससे एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले मैं मिला था। ठीक है, स्टोरी ज्यादा शुरू हुई थी, स्टोरी में लड़ाई हो रही है इनकी तो। नहीं, नहीं, देखो स्टोरी ज्यादा शुरू हुई थी, मैं वहाँ से सुना रहा हूँ ना, ये सुना रही है जब हम मिले थे। ठीक है, मिले हमारा नंबर चेंज हो गया, नहीं स्टोरी ज्यादा शुरू हुई। यार एक बंदा बोलो यार, हमारी ऑडियंस और हम कंफ्यूज हो रहे हैं। बात तो सही है, जहाँ से शुरू हुई थी ना, शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरू ठीक है, तो शुरुआत अगस्त का महीना था। ठीक है, मेरी एक कजन सिस्टर थी, बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, नहीं नहीं हवा वो कुछ चल रही, मेरी कजन सिस्टर थी, उसका बर्थडे था, ये उसकी सहेली थी, अच्छा ये उसके बर्थडे पे आई थी। अच्छा यार सेम सेम, हमारे जैसे सेम, तो ये उसके बर्थडे पे आई थी, तो पार्टी में हम हो गए लेट, मैंने बोला, मैंने कहा मैं छोड़ चला जाऊंगा, कोई बात नहीं पार्टी एंजॉय करो, टाइम बज गया 10, अब 10 बजे मैं कैसे जाऊँ, मैंने नहीं बोला था कि मैं आपको कैसे छोड़ूंगा, मेरे पास स्कूटी थी, मैंने स्कूटी बैठाया और छोड़ के आ गया घर पे, कोई नंबर नंबर नहीं, फिर महीना टला। अच्छा रास्ते में स्कूटी में झटका लगा स्कूटी को? नहीं नहीं, मैंने झटका नहीं लगाया, नॉर्मल एकदम जैसे सादगी जैसे सीधा था ना, सीधा सीधा चला के ले गया और घर के आगे छोड़ा, कोई बाय बाय नहीं बोला। एक क्वेश्चन जो मेरे बीच बीच में आएगा पूछूंगी, हेलमेट लगाया था आपने? हाँ हेलमेट लगाया। ठीक, हेलमेट तो मेरी स्कूटी में हमेशा रहता है। वेरी गुड। फिर दोबारा आई है वो अपनी सहेली घर। अच्छा, तो वो मेरी सिस्टर थी, मैं जाता रहता था, उसने फिर मुझे बुला लिया। ठीक है, हम फिर गए, फिर बैठे, फिर तब कोई लेट वेट नहीं हुई, पर मैंने ऐसी बोल दिया कोई बात नहीं आज मैं आपको छोड़ूंगा। अच्छा, तो मैं चलो ठीक है, अब जब मैं छोड़ने गया इसको दोबारा, तो मैंने कोई नंबर नहीं मांगा, इसने मांग लिया, नहीं मांगा। अच्छा, इसको मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा घर जाने के बाद ना इसने मुझे फेसबुक पे सर्च करा। अच्छा, तो इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अच्छा, देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपक, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, फिर उसने बोला हाय, लड़कियां बहुत तेज आजकल, उसने बोला हाय, मैंने बोला हेलो, एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर आया हाय, मैंने बोला हेलो, फिर तीसरे दिन गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, मैंने भी लिख दिया हेलो गुड मॉर्निंग, तो ये तीन चार दिन तक हेलो। मतलब ज्यादातर आज के लोगों की फेसबुक पे होती है, इससे ये पता लगता है गाइस, कोई कहीं मिले ना मिले तो हमें फेसबुक पे जरूर मिल जाएगा। तो उसका बस ऐसे चलता रहा कुछ दिन तक, ऐसी फेसबुक बात हुई, फिर बोला कि आप लोग मुझे किसी चीज का जवाब नहीं देते हो, और मतलब कि एकदम से बस हेलो जो मैंने बोला वही जवाब, मैंने चलो ठीक है, फिर नंबर एक्सचेंज कर दिया। इसने मांगा, तूने मांगा, फेसबुक पे नंबर लिखा हुआ, व्हाट्सएप पे पहले हमारी बात नहीं, नहीं किसी ने कॉल किया था ये मुझे। हाँ तो मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप पे कॉल किया, ठीक है हाय हेलो हुई, मैंने कहा ठीक है मेरा नंबर ओके, फिर क्या करूँ मैं इसको कोई मैसेज करूँ ना, गुड मॉर्निंग कैसे हो, मैं डिलीट कर देता था। अच्छा, जवाब लड़का ना फ्रॉड है ये ना, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिलीट क्यों करता है, सही बात है। आप मुझे मैसेज करते हो, आप डिलीट क्यों कर देते हो, मतलब मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, मुझे लगा शायद आपका भाई ना देख ले, घर पे कोई ना देख ले, कहते ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे घर में, मैं ये सोच रही हूँ शायद तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड हो, कहीं वो फोन में चेक करती हो, शक पहले से दिन भी था, मतलब पहले दिन से शक, आज भी शक करती है, ये नई चीज नहीं है, मतलब जहाँ से रिलेशन शुरू हुआ ना वहीं से शक की सुई शुरू हो गई इसकी। तो इससे बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आई तो क्या आपने मुझे ही पहली बार छोड़ा था, इससे पहले आप उसकी और भी कोई सहेली जिसको आपने छोड़ा था? अच्छा ये भी, मैंने कहा यार ये तो रेडी बात है, ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा देखो जो प्रॉब्लम होती है मैं उसको छोड़ने चला जाता हूँ। तो कैसे सबसे नंबर लेते होगी, मैंने कहा मैंने आपसे कितनी बार नंबर ले लेके थे, नंबर तो ले लिया आपने लेकिन हमें जैसे करके मिल गया हमारा, चलो जी वहाँ तक हमारी स्टोरी चलती थी, थोड़ा टाइम तक सर्दी आ गई, अब मैंने कहा सर्दी में ठंड लगी से, अब सुनो ना वैसे गर्मी का थोड़ा सा ना इधर दिल्ली में गर्मी होती थी, तो मैं इसको ले गया सबसे पहले क्योंकि मुझे पता लगा क्रिश्चियन है, तो मैंने कहा इसको इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले चर्च लेके जाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं सीपी में और सीपी जाने के
मतलब कि अच्छा रास्ता था ना वो नारायणा वाला था। अच्छा वहाँ बीच में एक मौसम ऐसा रास्ता आता वहाँ पे ठंड लगती थी तो इसे लगी ठंड। मैंने डिक्की खोली जैकेट निकाल के रहते थे राजा जी ओ, पहला पहला प्यार है वो भी ठंड में ठीक है फिर ले गया। अच्छा फिर भी स्कूटी में नहीं स्कूटी पे ले जाता हूँ तो गाड़ी थी उस टाइम पे लेकिन स्कूटी में घूमने का मजा नहीं, नहीं अब गाड़ी में ठंड कैसे लगे स्कूटी में तो ठंड लग सकती है ये भी तो ये मैं दिमाग लगाया फिर मैं ले पहले से रखता था दीदी जैकेट मुझे पता है लड़कियों को ठंड लगती है गाड़ी में घूमूंगा ना वो बात नहीं मैं ले गया इसको सीपी घुमाने कभी किसी रेस्टोरेंट ले जाता था कभी कहीं ले जाता था इसको जो खाना पसंद था मैं इसको वो डेली खिलाता था मोटी हो रही है इतनी खाती थी जगह जगह की बिरयानी खिलाता था फेमस सारी जगह की मैं वहाँ से भी चलो घूमते फिरते घूमते फिरते फिर एक दिन किसी ऐसी फोन आया किसी लड़के का इसके फोन पे तो मैंने कहा कौन है कहते फ्रेंड है तो इसे बताते होगी इसको मतलब कि इसके दोस्त वगैरह पहले तो थे ही ऐसे तो उससे ना मुझे ऐसी मतलब लड़ने लगे तो लड़की हो रही हो मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ना है तो तुम उससे लड़ रहे हो मैं कहा मुझे नहीं पसंद किसी भी लड़के का फोन है चलो जी इसने फोन सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया फिर हमारा वहाँ से स्टोरी चालू होती है प्यार वाली। अब मैं छोड़ के आ गया आपके पास हाँ हमारे पास आ गए थे हैदराबाद अब इसको कौन घुमाए है ना लाइफ में मैं पहली बार निकली थी फिर मैंने इसको बोला मैंने कहा आप अगर जैसे जॉब के लिए मतलब कि अपने घर वालों को बोलोगे तो मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आ जाओगे कहती ऐसे तो मैं नहीं आ पाऊंगी मेरे घर वाले लाओ नहीं करेंगे मैंने कहा मैं जिससे मिलवाऊंगा ना तेरे घर वाले का पूरा खानदान लाओ करेगा हमारे चक्कर में निक्की आ गई फिर निक्की आ गई तो मैं और पायल उस टाइम हमारे घर में मेड नहीं होती थी तो निक्की मेड का काम करती थी पूरा दिन सारा काम मैं और पायल करते थे आटा गूंथती थी निक्की आ गई तो हमें एक सपोर्ट मिल गया रोटी बनाने नहीं आती थी पर निक्की बड़ा आटा प्यारा बहुत प्यारा आटा गूंथती है किसी को आटा गुनवाना हो ना तो एक बार निक्की को जरूर बुलाना इसके हाथ का आटा गुना हुआ ऐसा जबरदस्त रोटी बनती है वो इतने छोटे छोटे आटे की कैसे गूंथ आगे तो सुनो अब इसको बुला तो लिया अब इसको काम तो कुछ आता नहीं था ना बर्तन मांजना आता था ना पकौड़े बनाने आते थे ना ब्रेड बनाने आता था ना कुछ नहीं आता था आपको पता ना अब इसकी वो चीजें छिपाने के लिए मैं क्या क्या करता था ब्रेकफास्ट बनाता था क्योंकि हम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब हम करते थे मैं बोलो हमारे में मेड नहीं थी तो सूरज क्या करता था सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाता था और निक्की को साथ में खड़ा कर लेता था मैं कहा तू बना रही है देख क्या बड़े बड़े याद है मैंने क्या बनाया था बड़ा सारा बना दिया था आलू कुछ नमक ज्यादा हो गया था क्या हो गया था तब दोबारा बनाया था मैंने मुझे याद दिया मतलब कुछ ऐसा कुछ बनाया था वो कुछ वो खराब हो गया था फिर मैं दोबारा उसको दोबारा तैयार करके वो पहले ही बना रही थी तो वो खराब हो गया मैंने दोबारा बनाया आलू की भुजिया आलू की भुजिया वो खराब हो गई थी पहले नमक ज्यादा हो गया मैं कहा चल पागल तुझे खराब कैसे कर लूंगा इतनी जल्दी में फटाफट दोबारा करके आलू काटे फटाफट दोबारा बनाया वो ठीक बना था तो मैंने आपको दाल चावल और आलू की भुजिया लगाई तो गाइस ये थी इनकी प्यारी सी लव स्टोरी अगर और भी कुछ जानना हो कोई क्वेश्चन हो तो इस ब्लॉग में जरूर बताना ताकि इनकी जो लव स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सिंपल सी है मिले प्यार हो गया अब तब से ये साथ हैं कितने साल हो गए चार साल से अगस्त में जाके होगा पूरा चार साल दीदी आपको कितना टाइम हो गया तब से 19 में नहीं 19 में तब की शादी हुई नहीं मेरी 19 में थोड़ी हुई है 18 में हुई है हाँ तो शादी के दो साल बाद मिले थे तो इनको अभी डेट याद नहीं है कितनी डेट याद है मुझे अगस्त में 8 अगस्त को मिले थे तेरे होने की याद है सितंबर में याद है दीदी सितंबर में तो ये हो गया था ना कि मिल लिया नंबर वंबर एक्सचेंज हो गया मतलब कि एक महीना अगस्त का गया यार सारी बात छोड़ो आप बोरिंग लव स्टोरी है ये बड़ी अच्छी बात कही आप अगस्त के बाद क्या आता है अगस्त के बाद सितंबर आता है सितंबर में हम लोग मिले और अक्टूबर में तेरा बर्थडे है नवंबर में नवंबर में सितंबर तो बस गाइस इस मेरी लव स्टोरी पे एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट बाय 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 किसकी लव स्टोरी बाय कर दो बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में खाओ पियो अच्छा बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बाय बाय